सो गाइस, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वीन ऑफ हर्ब, मतलब कि जो जड़ी बूटियों में जिसको रानी कहा जाता है, दैट इज पंच तुलसी। एंड तुलसी के बारे में हम लोग बात करें, और आज हमारे पास है पंच तुलसी ड्रॉप, जो कि है टॉप 5 बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक हिमालयन हर्ब्स में से, मतलब हिमालय में पाए जाने वाले तुलसी से बना हुआ ये पंच तुलसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड पंच तुलसी जनरली लुक्स लाइक दिस। ओके, ये कवर है एंड दिस इज द पंच तुलसी यू विल बी गेटिंग। ठीक है, ये पंच तुलसी ड्रॉप, एंड बेसिकली इसको 2 से 3 ड्रॉप आपको लेना होता है हर दिन सुबह शाम। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो सुबह शाम, नहीं तो आप सुबह सुबह हमेशा पी सकते हैं मेरे जैसे, राइट? ओके, सो बेसिकली मैं 2 मंथ्स से इसको मैं पी रहा हूँ एंड ले रहा हूँ, जो आप बोल सकते हैं। एंड 2 महीनों से बहुत अच्छा रिजल्ट्स आया है। आपको जिनका साइनस प्रॉब्लम है उनको ये ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज इन 1 वीक आपको रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाएगा। और या फीडबैक्स के बारे में, टेस्टिमोनियल्स के बारे में वीडियोस हम लोग अलग से मैं पोस्ट करूँगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किन जिन्होंने भी इसको यूज़ किया है उन्होंने क्या क्या इसके बारे में फीडबैक्स दिया है। सो बात करते हैं आज पंच तुलसी के बेनिफिट्स के बारे में, पंच तुलसी के किस किस टाइप में वो आपको हेल्प कर सकता है, पंच तुलसी किन हेल्थ बेनिफिट्स को प्रमोट करता है या फिर किन हेल्थ बेनिफिट्स में वो मददगार है। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पंच तुलसी इज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, व्हिच इज अ मस्ट इन आवर बॉडी। ठीक है, मैक्सिमम को क्या होता है कि सर दर्द होता है, स्टमक एक होता है, या फिर हो गया आपका सर्दी जुकाम हो जाता है, ये सब बेसिकली किस चीज़ के लिए होते हैं? मेन चीज़ होता है कि लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर एंजाइम टू फाइट दोज बैक्टीरियाज, राइट? सो ये क्या करता है पंच तुलसी, इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किसके लिए होता है कि फ्री रेडिकल्स जो है हमारे बॉडी में उन सभी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में अगर एक्सेसिव हो जाते हैं, मीन्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये हम लोग सिम्टम्स दिखते हैं कि हम लोग सिर दर्द होना शुरू हो गया, तो किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये वो है हेल्पफुल है कि जो हम लोग का फ्री रेडिकल्स है बॉडी में उन सभी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है। ठीक है, उसमें जो एंजाइम्स हम लोग को ज़रूरत होता है उन एंजाइम्स को ये बूस्टअप करता है, जो हम लोग के इम्यूनिटी है उसको ये बूस्टअप करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन वगैरह से ये सब क्या करते हैं, हम लोग को बचाते हैं। ठीक, ओके, फ्लू, फीवर, कोल्ड एंड कफ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आता है हम लोग का कैटेगरी जो है ब्लड। ओके, तो ब्लड से मतलब क्या था कि पंच तुलसी जो है आपका जो ब्लड प्योरिफिकेशन प्रोसेस है उसको एनहेंस करता है, उसको मतलब और बेहतर करता है। ठीक है, ब्लड प्योरिफिकेशन अगर होता है ना, किसी का हार्ट डिजीज होता है, वो सब किस चीज़ के लिए होता है? बिकॉज ऑफ ये क्वालिटी जो ब्लड हम लोगों के बॉडी में चाहिए होता है। ठीक है, उस ब्लड को प्योरीफाई, जो प्योरीफिकेशन हम लोगों को चाहिए होता है, वो प्योरीफिकेशन कुछ लोगों में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उन्हीं ब्लड प्योरीफिकेशन को ये थोड़ा ठीक करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, एंड नेक्स्ट आता है WBC, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स को जो मात्रा है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स क्यों चाहिए होता है हमारी बॉडी में, कि जो हम लोग की स्किन होता है, स्किन के ठीक नीचे में होता है हम लोग का जो ये वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अभी जो ये वाइट ब्लड सेल्स है वो आपका इन्फेक्शंस को देखता है। अगर सपोज आपका किसी भी बॉडी पार्ट में अगर किसी का कट हो जाता है, सपोज कोई कट हो जाता है और ब्लीडिंग होना शुरू होता है पैराचिस, और वहीं से क्या होता है बैक्टीरियाज एंट्री कर सकते हैं, तो उस कटेड एरिया में क्या कोई इन्फेक्शन है, क्या कोई बैक्टीरिया है, उस चीज़ को ये वाइट ब्लड सेल्स अगर हैं तो फाइट बैक करते हैं। ठीक है, तो ये WBC क्या है, इस चीज़ को WBC को ये सपोर्ट करता है, एंड WBC प्रोडक्शन में ये काम करता है। ठीक है, पंच तुलसी क्या करता है, आपका वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। एंड सेकेंडली वही आ जाता है, एंड ये है डाइजेस्टिव। ठीक है, अभी हम लोग पहले सर पे आए, फिर गले पे आए, मीन्स आपका जो सर्दी जुकाम है वो गले का था, एंड साइनस प्रॉब्लम वो भी गले का था, नाक का था। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग उससे नीचे, दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ द स्टमक। ठीक है, ये जो आपका होता है ना, किसी का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, या फिर किसी को होता है ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उन सभी लोगों को ये चीज़ लेना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, मेरा बहुत सारा फीडबैक्स आया है इस चीज़ के ऊपर कि हाँ, उनका पेट में मतलब गैस का प्रॉब्लम था तो वो ठीक हो गया, तो मैक्सिमम किस ऐसा बहुत सारा मिला है मेरे को।
तो उन सभी को ये चीज़ लेना चाहिए, आपका जो डाइजेशन है उसको ये क्लियर कर देता है एंड जो आपका प्रोसेस है उसको भी ठीक ठाक रखता है, मेंटेन रखता है इन अ सेंस। एंड सेकेंड आते हैं अभी डायबिटिक्स एंड शुगर मैनेजमेंट। ठीक है, डायबिटिक्स एंड शुगर मैनेजमेंट को मतलब कि जो भी हम लोग का डायबिटिक पेशेंट्स है जिनका शुगर लेवल हाई डाउन है तो उनको मेंटेन करके रखता है ये पंचसूची ड्रॉप। तो आप इसको अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर अगर आपके मतलब जो सर्कल है आपका रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, किसी को भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है ऑलरेडी एंड उन सभी को रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, आपको वही है सेम लिंक मैं नीचे दे दूंगा, एक नया दूसरा एक वीडियो बना के जहाँ पे सिर्फ टेस्टिमोनियल्स होगा, वहाँ पे सिर्फ लोगों का फीडबैक्स होगा जहाँ पे उनको ये चीज़ सही तरीके से रिजल्ट्स आया। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग WBC। ओके, हम लोग ने इसके बारे में बात किया एंड नेक्स्ट आता है या किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। तो इनको भी ये प्रमोट करता है, इनको भी ये हेल्प करता है कि किडनी अगर किडनी का प्रॉब्लम हो या यूरिनरी प्रॉब्लम हो तो उनको हेल्प करता है उस डिजीज से लड़ने में। ठीक है, ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। एंड लास्टली वी कैन टू द स्किन डिजीज सेक्शन। ठीक है, अगर कोई स्किन डिजीज होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने खुद से लिखा हुआ है ल्यूकोडर्मा एंड लेप्रोसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये स्किन डिजीज, इन सभी स्किन डिजीज को ये हेल्प करता है फाइट बैक करने में। एंड लास्टली वी हैव डी एडिक्शन टू अल्कोहल। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किसी भी अल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं तो उससे हम लोग थोड़ा सा एडिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत लोग होते हैं कि ये बहुत पीता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि बहुत पीता है, आप भी इसका मतलब गया। ठीक है, तो उन लोगों को क्या कर सकते हैं कि आप इनको उनको दे ये चीज़। ठीक है, उनको आप बोलो कि हाँ तुम पी रहे, चलो पीते पीते इसको भी पीना शुरू करो। इससे क्या होगा कि वो जो अल्कोहल है अल्कोहल को वो कम पिएगा। ठीक है, कम पीना शुरू करें, धीरे धीरे, टाइम लगेगा इसमें। एंड साथ ही में अगर अल्कोहल से जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, नॉट टॉक्सिन्स एक्चुअली, मतलब जो भी अल्कोहल का जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होता है उस साइड इफ़ेक्ट्स से लड़ने के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इम्यून पे ही आ जाता है वापस से। तो इम्यून सिस्टम को ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्या करता है आपका फुल बॉडी के लिए इम्पैक्टफुल पावरफुल एक बूस्टर है। छोटा सा 20 ml का ये आ जाता है, 20-25 ml का आता होगा मार्केट में। अलग अलग पंचतुलसी है, तो मेनली पंचतुलसी, मैंने जो पंचतुलसी आज बात किया था वो बायसेस का पंचतुलसी के बारे में, जो मैंने खुद से यूज़ किया, 2-3 महीना हो गया मैंने यूज़ करते करते और आज जाके मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके, सो वीडियो बहुत लंबा था, आई होप ऑल दोज हु वॉच टिल दी एंड उनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जस्ट शेयर दी वीडियो उन सभी पेशेंट्स को या फिर सभी उन लोगों को जिनको इन जितना भी मैंने कुछ बताया अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम है, देन दे कैन बी हेल्पफुल, दे मे गेट अ सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है इन सब चीज़ों की वजह से, वो लोग रेगुलर काम और रेगुलर वर्कआउट में इतना ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा ठीक ठाक है। तो आप इसको, इस वीडियो को शेयर करो, उन तक पहुँचाओ। अगर वीडियो को शेयर नहीं करते हो देन उनको ये एक्नॉलेज करो कि पंचतुलसी नाम का एक चीज़ है, जो चीज़ नहीं एक्चुअली एक ड्रॉपलेट है जो उनका हेल्प कर सकता है उस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में। सो गाइज, साइनिंग ऑफ, HIV/AIDS Xavier और या एंड रिलेटिंग टू, और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी हेल्थ रिलेटेड है और बायोसेस रिलेटेड जितना भी वीडियोस आएगा वो बायोसेस के प्रोडक्ट्स रिलेटेड एक्चुअली, तो वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।